बुद्धिरूपेण संस्थिता मार्कंडेय ऋषि जी ने अपने दुर्गा सप्तशती में अपने अनुभवों का वर्णन किया है इन्हीं श्लोक के माध्यम से। माँ दुर्गा जो पराशक्ति के रूप में वेदों में बतलाई गई है, योग माया कही जाती है, महाशक्ति कही जाती है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि वही पराशक्ति प्रत्येक जीव में उनकी बुद्धि में ज्ञान के रूप में अवस्थान करती है। हमारे भीतर जो प्रतिभा, जो विवेक, जो ज्ञान है, वो उसी महाशक्ति का आभास मात्र है और वही अखंड ज्ञान है स्वयं वो महाशक्ति। जब वास्तविक संतों की कृपा होती है तो उसी महाशक्ति का ज्ञान संतों की कृपा से साधारण जीव को भी हो जाता है, वही महाशक्ति बोध रूपेण हो जाती है। गोपी जन वल्लभ ज्ञानेन अखिलम ज्ञाता भवति। अखिल कोटि ब्रह्मांड के अध्यक्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान है। इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा कहलाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कहते हैं कि मुझमें जो ज्ञान है, मुझमें जो बुद्धि है, वो अपनी नहीं, मैं तो शून्य हूँ। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा मैं इस सृष्टि की संरचना करता हूँ, वो ज्ञान मुझे श्री कृष्ण जी के द्वारा प्राप्त है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजित होकर उन्होंने मुझे ज्ञान करवाया और उस दिव्य ज्ञान से, उनकी शक्ति को पाकर ही मैंने इस सृष्टि की रचना की है, मेरा अपना कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो ज्ञान है, वो सीमित है और उस सीमित ज्ञान से अखंड का बोध नहीं हुआ जाता, उस असीम का बोध नहीं किया जा सकता, वो एकमात्र कृपा साध्य ही है। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। बड़ा बड़ा ज्ञान रखने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि भी उस पर तत्व को नहीं जान सकते जब तक उन पर भी पर तत्व की कृपा ना हो जाए। और हम जो सीमित बुद्धि वाले हैं, हम पर जब वास्तविक संतों की कृपा होगी, उनकी कृपा से ही हम उस असीम को पा सकेंगे, देख सकेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हमारे अंदर जो ज्ञान है, वो उसी परम शक्ति का, उसी महाशक्ति का आभास मात्र है। वो ज्ञान के रूप में हमारे भीतर अवस्थान करती हैं। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बंगाल का किस्सा। रामकृष्ण देव जो अवतारी संत रहे, उनके समय में एक महातार्किक रहे, केशव चंद्र सेन, जिनका तर्क चारों ओर विख्यात था। एक दिन वो रामकृष्ण देव के पास आए और उन्होंने तर्क रखा कि मैं कहता हूँ भगवान नहीं होते,
इसे सिद्ध कीजिए। रामकृष्ण देव एक खाट पे बैठे थे, बड़े विभोर हुए, उठकर गए और केशव को अपने गले से लगा लिया। केशव कुछ हिचकिचाए, अरे मैं तो कह रहा हूं कि भगवान नहीं होते, इसे सिद्ध कीजिए, मैं सिद्ध करता हूं कि भगवान नहीं होते। तो रामकृष्ण देव मुस्कुराने लगे और फिर आए और फिर केशव को अपने गले से लगा लिया। केशव ने कुछ झुंझला कर कहा, मैं आपके ईश्वर का खंडन कर रहा हूं और एक आप हैं कि आप मुझे गले लगाते हैं। रामकृष्ण देव ने कहा, ए मैं तुझे गले नहीं लगा रहा, मैं तो अपनी श्यामा माँ को गले लगा रहा हूं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि मेरी श्यामा माँ ने कितना सुंदर उपाय खोजा है मुझे बुद्धू बनाने का, लेकिन मैं उसके धोखे में आने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो जर्रे जर्रे में, प्रत्येक वस्तु में, हर जीव में अपनी श्यामा का दर्शन करता हूँ, मैं तो रोज उनसे बात करता हूँ। और केशव, जो तुम में ये बुद्धि है ना, ये वही तो है, यदि मेरी श्यामा तुम्हें अपनी बुद्धि ना देती तो तुम उसी का खंडन कैसे कर पाते। तो मैं देख रहा हूँ कि श्यामा माँ मुझे चिढ़ा रही हैं, तुम्हें बुद्धि देकर अपना खंडन करा रही हैं, तो मैं तुम्हें नहीं गले लगा रहा, मैं तो अपनी श्यामा माँ को गले लगा रहा हूँ। इस बात को सुनकर केशव के होश उड़ गए और भावुक होकर केशव, जो इतने बड़े तार्किक, जो ये कहते थे कि ईश्वर नहीं होते, रामकृष्ण देव के चरणों में गिर पड़े और रुदन करने लगे और कहने लगे, मैं सब कुछ जानकर भी आज मानता हूँ कि मेरे शब्दों की जानकारी का वो अहंकार का पहाड़ आज चकनाचूर हो गया, मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानता था। और रामकृष्ण देव, तुम्हें लोग एक साधारण सा बेपढ़ा लिखा मानते हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते हुए भी सब कुछ जानते हो, तुम्हारे भीतर वो महाशक्ति अवस्थान करती है ज्ञान के रूप में, तुम्हें शत शत नमन। और केशव चंद्र सेन उस दिन से रामकृष्ण देव के पक्के अनुयायी हो गए। तो कहने का तात्पर्य, जब वो वास्तविक संत कृपा करें तो ये जो प्रतिभा, जो ज्ञान, जो विवेक उस महाशक्ति के आभास रूप में हमारे भीतर अवस्थान करता है, वो संतों की कृपा से एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें उसी महाशक्ति के दर्शन करा सकता है। ये सब वास्तविक संत की कृपा का फल मात्र है। आइए उस महाशक्ति माँ दुर्गे से प्रार्थना करें कि हमारे गुरुदेव हम पर ऐसी कृपा करें और हम ऐसे शरणागत हो जाएं कि वो हमें शुद्ध बुद्धि दें और हम उनकी कृपा से उस परम सत्ता, उस पराशक्ति योग माया के दर्शन कर सकें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।